بسم الله الرحمن الرحيم ويشترط في فساحة التركيب فوق جريان كلماته على القياس الصحيح وسهولتها أن يسلم من زعف التأليف وهو خروج الكلام عن قواعد اللغة المطردة كرجوع الزمير على متأخر لفظاً ورتبة في قول سيدنا حسان رضي الله تعالى عنه ولو ان مجدا اخلد الدهر واحدة من الناس يبقى مجده الدهر متعما فان الضمير في مجده راجع الى مطعما وهو متاخر في اللفظ كما ترى وفي الرتبة لانه مفعول به فالبيت غير فسيح ويشترط أن يسلم التركيب من تنافر الكلمات فلا يكون اتصال بعضها ببعض مما يسبب ثقلها على السمع وصعوبة أدائها باللسان ، كقول الشاعر (وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر) قيل إن هذا البيت لا يتهيأ لأحد أن ينشده ثلاث مرات متواليات دون أن يتتعتع.

أو بالفصل بين الكلمات التي يجب أن تتجاور ويتصل بعضها ببعض فإذا قلت ما قرأ إلا واحدا محمد مع كتابا أخيه كان هذا الكلام غير فصيح لضعف تأليفه إذ أصله ما قرأ محمد مع أخيه إلا كتاب واحدا فقدمت الصفة ولا الموصوف ففصل بين المتلازمين وهما أداة الاستثناء والمزاف والمضاف إليه. व यश बहुज़ालिका कऊलू अब तबनबी अन्ना यकून अबल बरी यति आदम व अबू का व सकलान अंता महमदु यहाँ तक कि इबारत में हम ये समझेंगे कि कलाम मरक्ब कलाम के फसी होने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं तो चार चीज़ें कायदे की रूह से चार चीज़ें मशरूत हैं चार चीज़ें शर्त है कलाम फसीह के लिए कितनी चीज़ें शर्त हैं? चार चीज़ें, चीज़ें। कि वो चार बातों से कोई कलाम अगर पाक हो तो वो कलाम अरबी में फसी होगा अगर वो चार में से कोई भी एक बात कलाम में पाई जाए तो वो कलाम फसी नहीं होगा उनमें से पहली बात यहाँ बयान की जा रही है कि जोफे तालीफ से कोई भी कलाम का पाक होना ज़रूरी है फसी होने के लिए यानी सबसे पहले ज़रूरी यह है कि कलाम के जो कलेमात हैं यानी मरकब में जो चंद मुफरदात हैं वो मुफरद अपने अपने मकाम पर पहले फसी हों है ना यानी कलम फ़सीहा के नाम फसी का आवाज़ आ रही है फसीहा जब हो तो उसके बाद कलाम फसी होने के लिए जरूरी है कि वो कलाम में ये चार तरह की खराबी ना हो नंबर एक है तालीफ। तालीफ़ोफ़ कहते कमज़ोरी को और तालीफ़ कहते तरकीब को ़ोफ़ तालीफ का मतलब ये होता है कि तरकीब में नहवी से कोई कमज़ोरी ना हो नहव के जो मशहूर कायदे हैं कायदों की खिलाफ वर्जी जो है उस कलाम में ना की गई हो मिसाल के तौर पर नहवी कायदा है कि इज़मार किजमारबल जिक्र अगर लफजन के साथ साथ रुतबतन भी हो यानी लफजन भी हो और रुतबन भी हो तो ये जो है दुरुस्त बात नहीं है कायदे के खिलाफ बात है तो अगर किसी कलाम में कलमत अपने अपने मकाम पर तो सही हो फसी हो, लेकिन उसकी तरकीब इस अंदाज में की गई हो कि नहव के इस कायदे की खिलाफ वर्जी की गई हो कौन सायदा इसमार कबल जिक्र इसका क्या मतलब होता है इजमार कहते हैं ज़मीर लाना और कबल जिक्र जिक्र से मुराद है मर्जा मर्जा से पहले मर्जा के ज़िक्र करने से पहले कबल जिक्र है कबल मरजा मर्जा के ज़िक्र करने से पहले ज़मीर लेकर आ जाना पहले कायदा यह है कि पहले मर्जा जिक्र होता है बाद में ज़मीर ताकि सामने वाला उसको समझ सके अगर मैं डायरेक्ट जो है ये कहूँ कि मैं उसके पास गया था मैं उसके पास बैठा था मैंने उससे जो है मैं मैं उसके साथ घूमने गया तो आप भी चक्कर में आ जाओगे यार ये उसके उसके कौन है अगर मैं एक बार पहले मरजा का जिक्र कर दूं, फिर ज़मीर ज़मीर इस्तेमाल करूं उसके उसके तो आप समझ जाओगे जैसे मैं कहूं कि मैं कल एक आलिम मैं कल जो है अपने दोस्त के पास गया था फिर उसके साथ घूमने गया फिर उसके साथ खाना खाया फिर उससे मुलाकात करके कर वापस आ गया तो इस तरह से उस उसका माना समझ में आ जाएगा कब जब उसका जो मर्जा है लफ्ज़ उस जो ज़मीर है उर्दू ज़बान में उसका जो मर्जा है दोस्त उसको पहले मैंने ज़िक्र कर दिया तो कायदा ये है कि पहले मरजा मस्कूर होता है मरजा का ज़िक्र होता है बाद में क्या आती है बोलिए ज़मीर ज़मीर आती है अगर इसके उलट हो तो नहब में इसके उलट हो लफजी तौर पर भी ज़मीर उलट ये हो कि लफजी तौर पर भी ज़मीर बाद में हो और मकाम और मरतबे के अतबार से भी ज़मीर बाद में हो तो अब ये जो है कमी हो जाएगी इसको फ़ तालीफ़ कहा जाएगा इसकी मिसाल जो है अब मुत, क्या बोलते हैं हजरत हसान बिन साबित रजी अल्लाह तुके शेर में दी गई है शेर नीचे दिया गया उस पर नज़र कर सकते हैं आप वलो अन्न मजदन अखलद दहरा वाहिदन वाहिदम मनन्ना से अबका दहरा दतमा इसका तर्जुमा लो का माना अगर अन्ना का माना बेशक मजदन कहते मजद शराफ़त बुजुर्गी को आलद फरमाते मेरा अमजद मजद का पक्का इससे बहुत किचियाते ये हैं ये है सम्राट ये बदमजहब लोग तो मजद का माना तो शराफ़त बुजुर्गी ठीक है तो कहते हैं वलो अन्ना मजदन अगर मजद अखलद दहरा अखलदा यखलद अखलात का माना होता है हमेशा बाकी रखना अखलद दहरा ज़माने में हमेशा बाकी रखता वाहिदम मनन्नान्नास लोगों में से किसी को अब का मजदहू अद दहरा तो उसकी अब का बाकी रखती मजदहू उसकी शरा शराफत दहरा ज़माने में मतयन मतइम मुद्ञिम को देखिए उसकी शराफत मतीम को ज़माने में बाकी रखती है या उससे मुराद मतइम ही है उससे मुराद कौन है हाँ तो मजदू जी हाँ मजदूहू में देखिए मजदू मुजाफ हाजमीर मुजाफिल है और उस हु ज़मीर का मर्जा कौन है जी मतमन है और मतयन देखिए लफजन भी सबसे आखिर में मजदू में हु के बाद है लफजी तौर पर भी तलफ़ में भी और मकाम और मरतबे के अतबार से भी वो बाद में ही है कैसे कि मजदहू जो है अब, अबका फ़ैल का फाइल है माना गया उनकी शराफ़त बाकी रखती किस को मतीम को तो तरकीबी एतबार से मजदहू ये फ़ाइल है और मतयन मफरूल भी है और फाइ मफूल भी ही, मरतबे के एतबार से भी फाइल के बाद ही होता है फ़ाइल से पहले नहीं होता नहीं होता जैसे ज़रा बा जैद अमरन तो अमरन मरतबे के एतबार से भी बाद में है और लफ्ज़ों में भी बाद में है कभी कभी उल्टा भी हो सकता है जैसे जब मैं कहूँ ज़रा बा अमरन जैदन तो अमरन मर्तबे के अतबार से अगरचे बाद में है यानी अमरन का मर्तबा और मकाम यह है कि उसको फाइल के बाद लाया जाए लेकिन लफ्जों में मैंने उसको क्या किया ज़राबा अमरन जैदन में मैंने बी को लफ्जन कहाँ ला लिया पहले जिए। पहले ज़िक्र कर दिया तो ऐसा हो सकता है लेकिन यहाँ पर क्या है कि दोनों खराबी है लफजी तौर पर भी मतयन बाद में है और मकाम और मर्तबे के अतबार से भी बाद में है यानी मरजा बाद में है ज़मीर पहले है इसी को कहा जाता है इज़मार क़बल ज़िक्री लफजन व रुतबतन समझ गए बात को तो इस शेर में क्या हुआ इस शेर में एक खराबी लाज़िम आ गई कौन सी खराबी लाजिम आई बोलिए ज़ोफ़े तालीफ़ की और तालीफ की तो जी तालीफ में से कौन से सूरत यहाँ कौन सी सूरत की खराबी लाजिम आई कौन सा ोफ़ तालीफ है यहाँ पर ज़िक्र जी जी फ़ तालीफ़ का मतलब होता है मशहूर नहवी कायदे की ख़िलाफ़ वर्जी करना मशहूर नहवी कायदे की ख़िलाफ़ वर्जी करना कलाम ना? को निकाल देना मशहूर नहवी कायदे से यहाँ पे कलाम निकल गया मशहूर नबी कायदे से इसलिए यह कलाम फसीह नहीं कहलाएगा किस ख़राबी और कमी की बुनियाद पर जो 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 अब तर्जमा देखिए यहाँ तक कहते वयशत रितूफ़ी फसाहत तरकीब और तरकीब यानी कलाम के मरकब होने की फ... कलाम की तरकीब की फ़साहत में शर्त लगाई जाती है कब शर्त लगाई जाती है फ़ा जियानी कलिमात ही अल्क्यास सही ही व सहूलत हाँ कलिमात का कायद सरफ़ी पर जारी होने और उसकी सहूलत के बाद यानि कलाम कलिमात जो है ना उसके जो मुफरदात हैं मुफरत मुफरत लफ्ज़ जो है सबसे पहले वो सरफी कायदे के तहत होनी चाहिए जहाँ तालील है वहाँ तालीर होनी चाहिए हरफ वा को या से बदल वा को अलिफ से बदलना है, बदल दिया जाना चाहिए अगर मुश्दत लफ्ज़ को एक करना है तो दुआ, वहाँ एक दो हरफ एक जिन्स का लफ्ज़ है तो उसको एक कर दिया जाना चाहिए वग़ैरह वगैरह तो सरफ़ी कायदे के सेहत के साथ फोका जियाने कलिमात ही उस मरक्ब के कलिमात के जारी होने के बाद अल्कियासहीयास सही, सही पर वसूलत यहाँ और उसके सहल होने के बाद फ़ोका का माना करेंगे बाद बाद ये शर्त लगाई जाती है क्या यसलुमा ज़ोफ़ तालीफ कि वो ज़ोफ़ तालीफ से महफूज हो और ज़ोफ़ तालीफ किसको कहते हैं वह वरूजुल कलामी अन कवादिल लगतिल मुतरीदती और ये कलाम का मशहूर लघवी कायदे से निकलना है का इस ज़मीरी अला मतः्रन जैसे ज़मीर का लौटना बाद में आने वाले लफ्ज की तरफ लफजन व रुतब लफ्ज़ी तौर पर भी और रुतबे के तौर पर भी फ़ी कौले से गिज़ना हसान हजरत हसान के इस शेर में अन्ना मशदन अखलद दहरा वाहिदा अगर जमान, अगर बुजुर्गी किसी को ज़माने में हमेशा रखती अबका मजदूत दहरा मतन तो मतय को उसकी बुजुर्गी ज़माने में हमेशा रखती बाकी रखती फ़ान्नत ज़मी रफ़ी <सथी> मजदू रातयन मजदहू में जो हु ज़मीर है ये लौट रही है मतयन की तरफ वह मुताख्रन फिर लफ्ज़ कमा तरा और ये लफ्ज़ी तौर पर भी मुतार बाद में है जैसे तुम देख रहे हो वह फिर रुतबा और रुतबे में भी बाद में है क्यों ले आनो मफ़लुम बही इसलिए कि वह मफूल भी है फल बैतु गैर फसीह तो शेर क्या हो जाएगा तो जी, जी है। हाँ जी हाँ पहली शर्त इसमें नहीं पाई गई जोफ़े तालीफ़ वाली यानी पहली शर्त से ये मह पहली जो शर्त थी कि जोफ़े तालीफ से महफूज हो वो वाली शर्त यहाँ नहीं पाई गई अब दूसरी शर्त वरीतु आन तरकीब मिन तनाफर कलिमात यहाँ से पहले मैं समझाता हूँ कि ये भी जरूरी है कलाम के फसीह होने के लिए कि वो तनाफुर कलमात कलमात कहते एक एक मुफरत लफ्ज़ को तनाफ एक है तनाफुर हरूफ हरूफ क्या है जैसे ज़ायद है ना तो इसके हरूफ है जा या दाल ये तीन हरूफ हैं लेकिन ज़ायद एक ही कलमा है ज़ायद कितना कलमा है एक। तो तनाफुर जी एक कलमा है तो तनाफुर हरूफ की बात नहीं की जा रही है हैरूफ तो एक कल का होता है और यहाँ कलिमात चंद कलिमात जो मरकब में होते हैं जैसे जैदाकायसफ़ी तो जैद कायम अला और अख़ यहाँ पर चार चार कलिमात हैं तो कलिमात जो है कलिमात का अलग है और हरूफ का अलग है कलिमात के तनाफुर से तनाफुर कलिमात से वो पूरा मरक्ब कलाम जो है ख़ाली होना चाहिए और तदाफ्र कलिमात का मतलब ये है कि वो कलिमात इस तरीके से तरतीब में ना हो इस तरीके से मिले हुए ना हो, कि उस तरह से मिलने की वजह से समात पर उसको सुनना बोझ महसूस होता हो और ज़बान से उसकी अदायगी दुशवार महसूस होती हो ऐसा ना हो जैसे ये देखिए लफ्ज़ नीचे शेर दिया वब्रु कब्रु, बे मकानिन कफरिन, वलयस क़ुरबा कबरी हरबन कब्रु इसमें अगर कलिमत देखेंगे कब्र हरब कफ्र ब्र हर्ब फिर कब्र तो अलग अलग सिर्फ कब्र लीजिए तो ये ऐसा कलमा जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें तनाफर हरूफ वगैरह कुछ नहीं है क़ायदे सरफिया के ख़िलाफ़ नहीं ये लफ्कब्र फी लफ्ज़ है लफ् लबज हर्ब फंसी लफ्ज़ है लफ् खफ्र फी लफ् लबज है लफ् हर्ब ये भी फंसी लफ्ज़ है ठीक है लेकिन क्या हुआ ये कलमात आपस में इस तरह से मिले हुए हैं आपस में इस तरह से मिला दिए गए हैं के वो मख करीबुल मखारिज होने की वजह से जो ना एक दूसरे से के हरूफ मखरज हैं सब के तो एक साथ पढ़ने में उसको अजीब अटपटा जैसा, जैसा लगता है टपड़ तपड़ जैसा लगता है कर्बू कब्रू हरबी में मकानिन कफरन लेसा क़रबा कबरी हरबन कब्रू इस तरीके से अटपटा लगता है जैसे कच्चा पापड़ पक्का पापड़ कच्चा पपीता पक, पक्का पपीता इस तरीके से कहते भी हैं कि अरबी लोग ये कहते हैं कि इस शेर को लगातार कोई तीन मरतबा जो है ना बगैर तोतलाए नहीं पढ़ सकता यानी जैसे हम लोग बोलते हैं ना बोलो तो कच्चा पपीता पक्का पपीता तो कच्चा पपीता पक्का पपीता कच्चा पपीता इस तरह बोलते हैं बोलते हैं कच्चा कत्ता पकीता क्या क्या बोल बोलना चालू कर देगा वो ऐसा होता है कि नहीं होता है तो पपीता अलग से लफ्ज़ है ये फसी है कच्चा अलग से लफ्ज़ है ये फसी है पक्का अलग से लफ्ज़ है ये फसी है लेकिन ये सब को एक जगह अगर मिला दिया जाए तो बोलने वाले को थोड़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है पापड़ अलग लफ्ज़ पापड़ 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 पापड, ऐसा बिल्कुल फसी है कोई हरज नहीं उर्दू में लेकिन वो कच्चा और पक्का ये फिर पापड़ पापड़ आगे पीछे करके कच्चा पापड़ पक्का पापड़ कच्चा पापड़ जो इसको स्पीड इस में बोलेंगे तो कप्पा कापड़ कप्पा कापड़ इस तरह चालू हो जाता है बोलना आदमी का कुछ का कुछ बोलना शुरू कर देता है तो इसमें ये क्या होता है यहाँ पे क्या हुआ प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर कि कलिमात एक दूसरे के एक दूसरे से मिले हुए हैं इस तरीके से के समात पर सुनना जो है वो शक्ल समात पर सुनने में शिकल का सबब बन रहा है और जबान से अदायगी उसकी दुश्वार हो रही है तो ये खराबी भी किसी कलाम में ना हो तब वो फसी होगा कौन सी खराबी तनाफुर कलिमात उसको कहेंगे क्या कहेंगे क़लिमात जी देखिए कहते हैं वह यशका ऋतु अन यशल मत तरकीबिन तनाफर कलिमात और ये भी शर्त है कि तरकीब यानी वो कलाम मरकब महफूज हो सलामत हो तनाफुर कलिम से फ़लायकून अतिसाल बाहा बेबाजन तो बाज कलिमात का बाज़ कलिमात से ऐसा इतसाल ऐसा मिलाप ना हो मम्मा युसप बबू शखलह समी जो सबब बने उसकी सिकालत का समात पर यानि सुनने में जिसको सुनना सुनने में जो भारी लगे ऐसा ना हो व बता अदा अहाबिलसान और उसकी अदायगी का ज़बान से मुश्किल होने का जो सबब बने ये सब्बो जो सबब बने किस चीज़ का सख्लाई समात पर उसके भारी होने का सबब व सऊबता अदा अहाबिलसान और ज़बान से उसकी अदायगी के मुश्किल 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 होने का, का कौलिस शार जैसे शायर का शेर है वब्र हरबिन बे मकानिन कफरन हर्ब नामी शख्स का कब्र बे मकानिन कफ्रन रेतीली जगह पर है वलई सुरब्र हर वलीई सरबा कबरी हरबिन कब्र और हर्ब की कब्र के करीब कोई और कब्र नहीं है उर्दू में भी थोड़ा सा अजीब लगता है तर्जमा करने में और हर्ब की कब्र केब में कोई नहीं है कद किला कहा जाता है इन्ना हादल बला अहदिन ये शेर ऐसा है कि किसी के लिए आ, ए, किसी के लिए मुन, आ, किसी के लिए इख्तियार नहीं है अन्यून सलासा मर्रातिन के उसे गा ले तीन मरतबा गाले गुनगुना ले तीन मरतबा मतवालियतिन पैदर पै दूना अन यता ता, ता, यता य मगर ये कि वो अटक जाएगा तुतला तो जाएगा दूना आई या तता तख तक तकबला या तकब्बलों से तकबला या तकब्बलों से या तता या तकब्बल गन्ना इजतमा ही इस कि इस शेर के कलमात का इकट्ठा हो जाना वर्बा मखारिजी हरूफ यहा और उन कलिमात के हरूफ के मखारिज के का करीब हो जाना ये दोनों बातें कलिमात का इकट्ठा होना और उन कलिमात के हरूफ़ के मखारिज का क़रीब करीब होना यह दुसानी ये दोनों बातें पैदा करती है सिकलन जाहिरन किस चीज़ को ज़ाहरी बोझ को, को। अदा करने में ज़बान जो है बोझ महसूस करती है माँअन्ना अन्ना कुल्ला मतम मिनहू कुल्ला कली मत हालांकि उनमें से अगर हर कलमे को लिया लौज़त वह दहा अकेला अकेला लिया जाए हालांकि अगर उनमें से हर क़लिमा को अकेला अकेला लिया जाए माकानत कानत हतान तो कोई नापसंद नहीं है वला सकीरतन और कोई भारी भी नहीं है हर्ब बिल्कुल आसान लफ्ज़ है क़ब्र आसान लफ्ज़ है क़ुरब आसान लफ्ज़ है लेकिन यहाँ ख़राबी कैसे आई इनको एक साथ एक के बाद एक एक के बाद मिला देने की वजह से दो शर्त हो गई कि तनाफुर जोफ़ तालीफ से कलाम खाली हो तो फसी होगा नंबर दो तनाफुर कलिमात से कलाम खाली हो तो फसी होगा और नंबर तीन पे है कि ताक़ीद लफजी से कलाम खाली हो तब वो कलाम फसी होगा और नंबर चार पे है ताकीद मानवी से कलाम खाली हो तो फंसी होगा तो इसकी बहस इंशाल्लाह हम कल समझेंगे सलूल हबीब